अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए गांधी जी का योगदान बहुत अहम था। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अहिंसा का पाठ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को पढ़ाया और भारत में राष्ट्र की एकता का निर्माण करने का काम किया जिसे अंग्रेजों ने तोड़ा था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बापू राजनीति से दूर रहे और लोगों के बीच शांति और भाईचारे पर काम करना शुरू किया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को शाम की प्रार्थना के दौरान बिरला हाउस में गांधी स्मृति में राष्ट्रपिता की मौत हो गई। 30 जनवरी वो दिन है जब महात्मा गांधी शहीद हुए थे और भारत सरकार ने उस दिन को शहीद दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चलो अब जानते हैं आज से ठीक 73 साल पहले क्या हुआ था। 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा की शुरुआत आम दिन की तरह थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। 30 जनवरी 1948 को जुमे का दिन था। सुबह उठ के प्रार्थना करने के बाद हर रोज की तरह उन्हें लोग मिलाए। उस दिन उनकी मुलाकात में एक मशहूर हस्ती थी आरके नेहरू। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। 30 जनवरी को ही गांधी जी ने करीब 4 बजे सरदार पटेल से भी मुलाकात की। दरअसल उन्हें सरदार पटेल की मुलाकात के बाद उन्हें 5 बजे प्रार्थना सभा में भी शामिल होना था, लेकिन सरदार पटेल और गांधी जी के बीच 5 बजे के बाद तक बातचीत सभा जारी रही। थोड़ी देर में लोग सभा में चले गए। जब गांधी जी सभा के लिए जा रहे थे तो लोग उनका अभिवादन कर रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उन्हें पहले नमस्ते किया और जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाली और गोलियां चला दी और गांधी जी की मौत हो गई। और इसी के साथ साथ एक ही ऐसे इंसान का इस धरती से अंत हो गया